हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। आप सबका स्वागत है। आज से हम शुरू कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर पार्ट वन। जो पार्ट वन है हमारा बुक का, वो शुरू कर रहे हैं जिसका लेसन नंबर वन, क्योंकि हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऑलमोस्ट सारे लेसन क्लोज हो चुके हैं। यूनिट वन वो है द सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट के बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि गैस स्टेट और लिक्विड के स्टेट के बारे में हम 11th क्लास में वी आर ऑलरेडी डिस्कस। तो इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस सॉलिड स्टेट। लेट्स स्टार्ट। सो वी आर मोस्टली सराउंडेड बाय सॉलिड्स एंड वी यूज देम मोर ऑफन देन लिक्विड एंड गैसेस। फॉर डिफरेंट एप्लीकेशन वी नीड सॉलिड विद वाइडली डिफरेंट प्रॉपर्टी। दिस प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द कॉन्स्टेंट पार्टिकल एंड द बाइंडिंग फोर्स ऑपरेटिंग बिटवीन देम। हमारे चारों तरफ देखो बहुत सारे सॉलिड्स हैं, है ना। हम सॉलिड का ही सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं लिक्विड और गैस की अपेक्षा। तो हमको स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड का जानने के बारे में बहुत इम्पोर्टेंट है ना, स्टडी करना है सॉलिड की बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं हम क्या क्या है सॉलिड मटेरियल में। हाई टेम्परेचर, सुपर कंडक्टर, मैग्नेटिक मटेरियल, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, बायो कॉम्प्लीमेंट सॉलिड फॉर सर्जिकल, बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे आसपास। फ्रॉम आवर अर्लियर स्टडी हम पहले देख चुके हैं, वी नो दैट लिक्विड एंड गैसेज आर कॉल्ड फ्लूइड। देखो लिक्विड और गैस जो होती है, सॉरी गैस और जो लिक्विड होता है, इसको हम फ्लूइड्स बोलते हैं। फ्लूइड मतलब जो फ्लो कर सके, बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू फ्लो। द फ्लूइड इन बोथ द स्टेट इज ड्यू टू फैक्ट दैट द मॉलिक्यूल्स आर फ्री। इनमें क्या होता है कि मॉलिक्यूल फ्री होते हैं, वो एक इधर से उधर कहीं पे भी जा सकते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी कॉन्स्टेंट पार्टिकल इन सॉलिड है फिक्स्ड पोजिशन। लेकिन सॉलिड में देखोगे तो जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी पोजिशन फिक्स होती है, और वो सिर्फ क्या कर सकते हैं, इन कैन ओनली ओसिलेट अबाउट देयर मीन पोजिशन। ये सिर्फ ओसिलेट कर सकते हैं, मतलब ये सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं। ओसिलेशन आपको पता ही होगा, है ना, एक जगह अपनी मीन पोजिशन से ही एक जगह से दूसरी जगह हिल सकते हैं, लेकिन उस जगह को छोड़कर नहीं जा सकते। दिस एक्सप्लेन द रिजिडिटी इन सॉलिड। इसी से सॉलिड की रिजिडिटी एक्सप्लेन होती है। रिजिडिटी मतलब कठोरता या कड़क। इन क्रिस्टलाइन सॉलिड द कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स वर अरेंज इन रेगुलर पैटर्न। देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड में पार्टिकल कैसे होते हैं, रेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं। इन दिस यूनिट वी शैल डिस्कस डिफरेंट पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल को हम कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं। जैसे सॉलिड में पार्टिकल का अरेंज होता है, तो पार्टिकल कैसे अरेंज है, उनका अरेंजमेंट हमको समझना है। तो देखते हैं, within the constant particle and several property of solid, कुछ solid की property देखेंगे। How this property get modified, ये property को modified कैसे कर सकते हैं, due to the structural imperfection or by the presence of impurity, या और हम थोड़ी बहुत impurity मिला दें तो उनकी property पे क्या असर होगा, वो सब हम देखेंगे। Next है general characteristics of solid। solid के कुछ general क्या चीज़ें होती है आप already जानते ही होंगे, जैसे कि यहाँ देखो, दे हैव डेफिनेट मास, वॉल्यूम एंड शेप, है ना। इनका डेफिनेट मास होता है, वॉल्यूम भी होता है, शेप भी होता है। इंटर मोलिकुलर डिस्टेंस आर शॉर्ट, एक मोलिक्यूल दूसरे मोलिक्यूल से पास होता है। इंटर मोलिक्यूल्स आर स्ट्रोंगर, इंटर मोलिक्यूल जो फोर्स होती है इनमें बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए इनको तोड़ना मुश्किल होता है। इनके जो पार्टिकल्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मतलब जिससे मिलकर सॉलिड बनता है, उसको कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बोले। जैसे एटम से मिलकर बना हो सकता है, मोलिक्यूल से या आयन से। हैव फिक्स्ड पोजिशन, इनकी पोजिशन फिक्स होती है। एंड कैन ओनली ओसिलेट, ये सिर्फ ओसिलेट कर सकते हैं। देर इज मीन पोजिशन, अपनी मीन पोजिशन से इधर उधर हिल सकते हैं, कंपन कर सकते हैं, लेकिन उसको छोड़कर नहीं जा सकते। दे आर इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल मतलब इनको कंप्रेस नहीं कर सकते, हम दबा नहीं सकते। एंड रिजिड, कड़क भी होते हैं। तो अब हम देखते हैं दो तरह के इंपॉर्टेंट सॉलिड के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। उसमें एक है एमोर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। दो टाइप के मेनली सॉलिड्स होते हैं, एक होता है एमोर्फस सॉलिड और एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो देखते हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ये डायग्राम आप देखो, ये है एक आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक ये है आपका एमोर्फस सॉलिड, ठीक है। ये है आपका दो तरह के सॉलिड मैंने बताया आपको, एक तो एमोर्फस और एक बताया क्रिस्टलाइन। तो ये है आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक ये है आपका एमोर्फस सॉलिड। ये टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर दे रखा है। टू डायमेंशन मतलब इसमें लंबाई चौड़ाई है, लेकिन ऊंचाई नहीं दे रखी है, लेकिन लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई भी होती है, क्योंकि इसमें कॉपी में हम टू डायमेंशन में रिप्रेजेंट कर पाते हैं। तो देखो क्वार्ट्ज है, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ क्वार्ट्ज ए वाला, और ये स्ट्रक्चर ऑफ क्वार्ट्ज बी वाला है ग्लास का।
देखो इसमें आप पार्टिकल्स को देखो, ये जो गोल वाले दिख रहे हैं ना, ये पार्टिकल्स, ये देखो आप एक बिल्कुल रेगुलर पैटर्न में अरेंज हुए हैं, बिल्कुल एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज, इनका अरेंजमेंट बिल्कुल फिक्स है। जबकि इसमें देखो ये इरेगुलर, ये वाला शेप इधर से देखो, ये यहाँ पर देखो, इस तरफ देखो, इधर देखो, बिल्कुल ही अलग तरीके। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्या होता है, जो पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो बिल्कुल एक रेगुलर पैटर्न में होता है, और एमोरफस सॉलिड में कोई रेगुलर पैटर्न में नहीं होता है। एमोरफस का मतलब ये होता है कि जिसका शेप इरेगुलर हो, पार्टिकल इरेगुलर तरीके से अरेंज हो, ठीक है। जैसे आपको बहुत सारी बॉल दे दी, लाल, पीली, नीली, हरी, और आपको बोला कि इनको अरेंज करो, आपने क्या करा, उठाया सबको और एक साथ रख दिया, तो वो इरेगुलर अरेंजमेंट, और आपने बिल्कुल उनको सिस्टमेटिक जमाया, जैसे लाल अलग, पीली अलग, है ना, वाइट अलग, तो वो कहलाएगा रेगुलर अरेंजमेंट, ठीक है। तो इसमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में रेगुलर होता है, और इसमें इरेगुलर अरेंजमेंट होता है, ठीक है। तो ये एग्जांपल भी दे रखा है यहाँ पर, तो इसका कुछ अब हम देख लेते हैं। एमोरफस सॉलिड के और भी कुछ एग्जांपल हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, ग्लास, रबर एंड प्लास्टिक्स आर टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ एमोरफस सॉलिड। ये एमोरफस सॉलिड के कुछ टिपिकल एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो अब क्रिस्टलाइन और एमोरफस में डिफरेंस आप एक बार इस टेबल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो ये इनकी प्रॉपर्टी दे रखी है, डिस्टिंक्शन बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमोरफस सॉलिड। तो शेप इसका देखो आप, शेप कैसा है इसका, डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिकल ज्योमेट्रिकल है, इनका शेप जो होता है बिल्कुल फिक्स्ड, एक अच्छे से रेगुलर तरीके से अरेंज होते हैं, इसमें इरेगुलर शेप होता है। देखो क्रिस्टलाइन और एमोरफस को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि आपका जो शुगर होता है वो उसके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं पाउडर फॉर्म में, या कोई चीज़ अगर पाउडर फॉर्म में है तो वो क्रिस्टलाइन होती है, क्योंकि उसमें एक रेगुलर अरेंजमेंट होगा। लेकिन अगर एक बड़ा सा टुकड़ा है, बहुत बड़ा किसी चीज़ का, तो वो एमोरफस सॉलिड की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि उसमें जो पार्टिकल का अरेंजमेंट वो रेगुलर नहीं रह पाता है, ठीक है। जैसे ग्लास है, रबड़ है, प्लास्टिक है, ये क्या होते हैं, एमोरफस होते हैं, क्योंकि इनमें एक बिल्कुल रेगुलर पैटर्न आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कोई चीज़ पाउडर फॉर्म में, तो जनरली क्रिस्टल फॉर्म में रहती है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट देखो, मेल्टिंग एट शार्प एंड कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर, इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है, बहुत ज़्यादा होता है, और ग्रेजुअली सॉफ्टन ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर, जनरली ये सॉफ्टन होते हैं। क्लीवेज प्रॉपर्टी मतलब टूटना, व्हेन कट विद ए शार्प एज टूल, अगर आप इनको एक अच्छे तेज धारदार चाकू से इनको काटोगे, दे स्प्लिट इनटू टू पीसेस, दो पीस में टूट जाएंगे, एंड दे न्यूली जनरेटेड सरफेस आर प्लेन एंड स्मूथ, और जो नया जो सरफेस बनेगा वो भी प्लेन और स्मूथ होगा। व्हेन कट विद ए शार्प एज टूल, जब आप इनको शार्प एक धारदार चाकू से काटोगे, दे कट इनटू टू पीस, ये दो पीस में तो कट जाएंगे, विद इरेगुलर शेप होगा, लेकिन इनका हीट ऑफ फ्यूजन, दे हैव ए डेफिनेट एंड कैरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन, इनकी हीट ऑफ फ्यूजन भी फिक्स होती है। दे डू नॉट हैव डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन, इनकी कोई फिक्स नहीं होती है। एनिसोट्रोपिक, ये देखो इसका मतलब क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनिसोट्रोपी, ये जो होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड एनिसोट्रोपिक होते हैं इन नेचर में, और आइसोट्रोपिक इन नेचर, ये जो है अमोरफस सॉलिड कैसे होते हैं, आइसोट्रोपिक होते हैं नेचर में। अब इसका मतलब बताता हूँ मैं, नेचर इनका नेचर कहता है, ये ट्रू सॉलिड कहलाते हैं, ट्रू मतलब बिल्कुल सच्चे, एंड ये सूडो सॉलिड और सुपर कूल्ड लिक्विड कहलाते हैं, या तो सूडो सॉलिड बोल देंगे मैं अमोरफस को, या सुपर कूल्ड लिक्विड बोल देंगे। ऑर्डर इन अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टेंट पार्टिकल, इनका ऑर्डर के साथ लॉन्ग रेंज ऑर्डर, बिल्कुल एक सिस्टमेटिक ढंग से पूरे लॉन्ग रेंज ऑर्डर में अरेंज होते हैं। ओनली शॉर्ट रेंज ऑर्डर, इनका शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। देखो आप ये एनिसोट्रोपी का मतलब क्या है, ये इस डायग्राम से आप इसको समझो। ये एनिसोट्रोपिन क्रिस्टल, एनिसोट्रोपी आप देखोगे तो आप देखो सी से डी डायरेक्शन को देखो, और बी से ए डायरेक्शन को, बी से ए डायरेक्शन को आप देख रहे हो तो ये बिल्कुल सारी प्रॉपर्टी एक जैसी दिखाई देंगी आपको, बिल्कुल कोई इसके बीच में कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप इधर से टेढ़ा इसको देखोगे थोड़ा सा तिरछा, तो ये आपको देखो बीच बीच में पार्टिकल्स मिल जाएंगे, यहाँ पर कोई ना कोई पार्टिकल आ ही जाएगा, मतलब यहाँ पर ही बिल्कुल एक सिस्टमेटिक ढंग से जा रहा है। लेकिन जब आप इसको डायगोनली देखोगे तो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के सामने आ रहा है, मतलब जब प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, पार्टिकल के सामने पार्टिकल आने से पार्टिकल, तो आप देखोगे एनी फिजिकल प्रॉपर्टी वुड बी सेम अलोंग एनी डायरेक्शन, दिस डिफरेंट आर समराइज इन टेबल, ओके। मतलब क्या, जब आप एक डायरेक्शन में देखोगे तो इनकी प्रॉपर्टी
इधर की टायर से अलग होगी और इस डायरेक्शन में जाओगे तो इनकी प्रॉपर्टी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जो चेंज हो सकती है, जैसे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो सकता है, अगर आप इनको अलग अलग डायरेक्शन में मेजर करोगे तो ये चेंज हो जाएंगी। किसमें? क्रिस्टलाइन सॉलिड में। इसी को हम बोलते हैं एनिसोट्रॉपिक इन नेचर। और आइसोट्रॉपिक, आइसो मतलब जो सभी डायरेक्शन में एक जैसी प्रॉपर्टी को शो करता हो। इसकी आप कोई सी भी डायरेक्शन में इसको मेजर करोगे, लंबाई चौड़ाई या ऊंचाई में, तो हर डायरेक्शन में इनकी प्रॉपर्टी सेम आएगी अमोर्फस सॉलिड्स की। ठीक, अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। सॉलिड को हम कितने तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं? तो देखो, सॉलिड का क्लासिफिकेशन के लिए टेबल बहुत ही अच्छी दे रखी है, इस टेबल को समझ लेते हैं, इससे आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। टाइप्स ऑफ सॉलिड, कॉन्स्टेंट पार्टिकल, ये किस पार्टिकल से मिलके बना है, बॉन्डिंग, इनके बीच में बॉन्डिंग कैसी है, इसका एग्जाम्पल, फिजिकल नेचर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट। तो आप देखो, सबसे पहले मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड तीन तरह के होते हैं, नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड। तो नॉन पोलर, पोलर या हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये आप चैप्टर फोर में हम देख चुके हैं इलेवंथ क्लास में, तो आप वहाँ से देखना भी पोलर नॉन पोलर के था। पोलर मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दो पोल होंगे, नॉन पोलर कोई भी इसमें पॉजिटिव नेगेटिव पोल नहीं होगा, पोलर इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दो पोल होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो तीन तरह के, इनके पार्टिकल किस से मिलके बना होता है, ये मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है। इनके बीच में बॉन्डिंग कौन सी होती है, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्डिंग, या अट्रैक्टिव फोर्स, डिस्पर्जन और लंदन फोर्स, या डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो देखो, नॉन पोलर में तो डिस्पर्जन फोर्स होगा, या इसको हम लंदन फोर्स भी बोलते हैं, पोलर मॉलिक्यूल में डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होगा, दो पोल आपस में इंट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पोल आपस में इंट्रैक्ट करेंगे और जुड़ जाएंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा बीच में, इनके बीच में एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होगा। इसका एग्जांपल है आर्गन, CCl4, या हाइड्रोजन, आयोडीन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब नॉन पोलर के एग्जांपल है। पोलर में देखोगे आप तो HCl, SO2, क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर प्लस का चार्ज होगा, क्लोरीन के ऊपर माइनस का चार्ज होगा। सल्फर डाइऑक्साइड, H2O जो है इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है आइस के फॉर्म में, है ना, वाटर आइस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में होता है। तो क्यों होता है, क्योंकि इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, तो हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है। इनका फिजिकल नेचर देखें तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में ये नॉन पोलर सॉफ्ट होगा, पोलर सॉफ्ट होगा और हाइड्रोजन बॉन्डेड हार्ड होगा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये जो सॉलिड है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ये इंसुलेटर होते हैं, इंसुलेटर इंसुलेटर, तो तीनों ही इंसुलेटर है। मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, वेरी लो, बहुत ही कम होता है, लो एंड लो, बहुत जल्दी ये आप पिघल जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे। आयनिक सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड जैसे नाम से आपको मालूम पड़ेगा ये किससे मिलके बने होंगे, आयन्स से मिलके बने होते हैं, आयन्स। और आयन के, एक आयन और दूसरे आयन के बीच में कौन सा फोर्स काम करता है, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में कूलम्बिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है, कूलम्बिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है। इसका एग्जांपल है NaCl, MgO, जिंक सल्फाइड, कैल्शियम फ्लोराइड एक्सेट्रा। हार्ड होते हैं ये, बट ब्रिटल, हार्ड मतलब कठोर तो होंगे लेकिन ब्रिटल भी होंगे, आसानी से टूट भी जाएंगे। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट, मतलब ये सॉलिड स्टेट में है तो इंसुलेटर रहेंगे, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। बट कंडक्टर्स इन मोल्टन स्टेट, लेकिन आपने इनको पिघला दिया तब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, या आपने इनको पानी में डाल दिया, घोल दिया, तब भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, दो कंडीशन में, मोल्टन कंडीशन में और एक्वा सॉल्यूशन में, बट सॉलिड स्टेट में नहीं करेंगे। मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है इनका। नेक्स्ट है आपका मेटेलिक सॉलिड, जो मेटल, मेटेलिक सॉलिड नाम से मालूम पड़ेगा, मेटेलिक सॉलिड किससे मिलके बना होगा, मेटल से मिलके बना होगा। इनके कॉन्स्टेंट पार्टिकल क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट पॉजिटिव आयन्स इन सी ऑफ डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, इनमें पॉजिटिव आयन्स होंगे और इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर तैरते रहेंगे, ऐसा हम स्ट्रक्चर को एज्यूम कर सकते हैं, है ना, एक समुद्र होगा मेटल्स का जो कि पॉजिटिव चार्ज है, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन तैर रहे हैं या अंदर उसके चारों पूरे अंदर तक इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। इस तरह से मेटेलिक सॉलिड का स्ट्रक्चर होता है, जैसे आयरन है, एल्यूमिनियम है, इनको हम मान सकते हैं। इनके बीच में बॉन्डिंग कौन सी होगी, मेटेलिक बॉन्डिंग इनके बीच में प्रेजेंट होती है, मेटल बॉन्डिंग, आयरन, कॉपर, सिल्वर, मैग्नीशियम। फिजिकल हार्ड होते हैं बट मेलिएबल एंड डक्टाइल होते हैं, मेलिएबल पता ही होगा आपको, इनको हम शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, डक्टाइल मतलब इनके वायर बना सकते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी,
कंडक्टर्स इन सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट में भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे और मोल्टन स्टेट में भी करेंगे, इनमें आप बिजली के तार दौड़ा दो करंट लगेगा। फेयरली हाई कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड, कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड में क्या है, इसके किससे मिलके बने होते हैं, ये एटम से मिलके बने थे और इनके बीच में बॉन्डिंग कैसी होती है, कोवेलेंट बॉन्डिंग इज प्रेजेंट बिटवीन देम। एग्जाम्पल है इसका सिलिकॉन ऑक्साइड, ये क्वार्ट्ज बोलते हैं इसको, सिलिकॉन कार्बाइड कार्बन, डायमंड सॉलिड होता है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड कार्बन ग्रेफाइट, ये सब सॉलिड है, ये हार्ड होते हैं और कार्बन ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देखें तो ये इस सिलिकॉन ऑक्साइड जो इंसुलेटर्स होता है, लेकिन ग्रेफाइट को देखें हम तो कंडक्टर इसका एक एक्सेप्शन है और इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, कितने तरह के सॉलिड होते हैं, टाइप्स ऑफ सॉलिड समझने के लिए आपको हेल्प करेगा। इस टेबल को अच्छे से देख लें और एग्जाम्पल भी देख लें। इसके अलावा हमने एमोर्फस और क्रिस्टलाइन देखा, वो भी एक बार नज़र मार लें डिफरेंस। ठीक, तो देखो अभी एक क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, क्लासीफाई द फॉलोइंग सॉलिड्स इन डिफरेंट कैटेगरी। देखो ये सॉलिड दे रखे हैं, इनको क्लासीफाई करना इन ऑन द नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑपरेटिंग देम, इनके बीच में कौन सा फोर्स काम कर रहा है। जैसे पोटेशियम सल्फेट ये आयनिक सॉलिड्स है, टिन ये मेटल है तो ये मेटेलिक सॉलिड है, बेंजीन ये कोवेलेंट है मोलिकुलर सॉलिड से, ठीक है, यूरिया ये भी क्या है मोलिकुलर सॉलिड, अमोनिया ये क्या है हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है, वाटर हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है, जिंक सल्फेट आयनिक सॉलिड होता है, ग्रेफाइट ये कोवेलेंट सॉलिड है, रूबिडियम मेटेलिक सॉलिड, आर्गोन ये नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड से, सिलिकॉन कार्बाइड अभी बताया था मैंने ये कोवेलेंट सॉलिड। इस तरह से आपको पहचान करना आनी चाहिए कौन सा सॉलिड कौन सा है। एक और क्वेश्चन है देखो यहाँ पर, इसको भी देख लो। सॉलिड ए इज़ वेरी हार्ड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, सॉलिड ए कैसा होता है, बहुत ही हार्ड इलेक्ट्रिकल है लेकिन इंसुलेटर है, इन सॉलिड एज वेल एज इन मोल्टन स्टेट, सॉलिड स्टेट में भी और मोल्टन स्टेट में भी इंसुलेटर है, एंड मेल्ट्स एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर मेल्ट होता है। व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड इज इट, कौन सा सॉलिड है, तो ये आप पहचान करें इस तरह से, ठीक है। देखो आयनिक सॉलिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट, मोल्टन स्टेट में कंडक्ट करता है बट नॉट इन सॉलिड स्टेट, एक्सप्लेन करो क्यों क्यों, क्योंकि आयनिक सॉलिड में मोल्टन स्टेट में तो करेगा लेकिन सॉलिड स्टेट में नहीं करेगा, क्योंकि सॉलिड स्टेट में वो आयन एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते और मोल्टन स्टेट में आयन एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फ्री होते हैं, इधर उधर घूम सकते हैं, लेकिन सॉलिड में तो वो अपनी पोजिशन छोड़कर नहीं जा सकते, ठीक, इसलिए आयनिक सॉलिड में इलेक्ट्रिसिटी सॉलिड फॉर्म में कंडक्ट नहीं होते। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर मेलेबल डक्टाइल किस तरह के सॉलिड है ये आप देख लें। तो ये कुछ जानकारी थी, अगर और कुछ जानकारी आती है तो वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा ये देखो, नेटवर्क सॉलिड दे रखा है, डायमंड का स्ट्रक्चर दे रखा है, ये डायमंड का स्ट्रक्चर ये 3D में, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, और ये स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट है। देखो इन दोनों में फ़र्क है, ये क्लास 11th का टॉपिक है, वहाँ पे भी हमने देखा था, फिर भी एक बार और मैं इसको बता दूंगा नेक्स्ट सेशन में। ओके, सो जो भी आज पढ़ा है उसको प्लीज़ देखें समझें और इस पूरी थ्योरी को एक बार अच्छे से समझ लें, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम में। ओके, सो अभी आज के लिए इतना ही, सभी को बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।